स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पुछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी, वेलकम सारे स्टूडेंट्स नू। सो कैनेडा जिहड़े स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं जिन्हों का सुपना आ उन्होंने किस तरीके मिसगाइड किया जाता, एजेंट्स किवें उन्होंने चीट करते हैं, ये सारिया गल्लां अज तुहाडे नाल शेयर करांगे ताकि तुसी वो सब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ तो बच सको। सो जिहड़े दर्शक पहली बार जुड़े ने उन्होंने मैं दसदा कि वीज़ा रेडियो के इस प्लेटफॉर्म से असीं पंजाब के टॉप मोस्ट इमीग्रेशन एजेंट्स नू सद्दते हैं, उन्होंने नाल इमीग्रेशन नाल जुड़े हुए मुद्दे डिस्कस करते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स थोड़े नाल सांझे करते हैं। सो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करके रखो। अज दे साडे जिहड़े गैसट ने उन्होंने तुसीं वख-वख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते इमीग्रेशन नाल जुड़े हुए प्लेटफॉर्म से देखते रहने हो। ब्रॉडवे इमीग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर, स्वागत है। थैंक यू दीपक जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों मेरे वालों सत श्री अकाल। सो कंवर साहब, स्टूडेंट्स नू की एडवाइस दोगे, फ्रॉड किस किस तरीके दे हो रहे ने प्रेजेंटली, ते उना तो बचने लई स्टूडेंट्स किहड़ियां चीज़ां दा ध्यान रख। देखो दीपक जी, सब तो पहला मैं दस देना चाहना कि जिहड़ा तुसीं टाइटल ही लिया ना वो गलत है, क्योंकि एजेंट फ्रॉड करता नहीं करता, वह तो उहदा काम है, उहदा तरीका है काम करन दा। गल है कि कैनेडा का बच्चा खुद जान बुझ के अपने आप को फ्रॉड का भागीदार बनाना चाहता है, बिकॉज कैनेडा लिए जो प्रोफाइल चाहिए वीजे वाला वह है नहीं, पर पैसे डैडी जी दे है, वेस्ट करन चो दा कुछ जाता नहीं। सो आज थे कहानी है, वो कैनेडा ट्राई करना ही चाहता है, प्रोफाइल कैनेडा वाला है नहीं, फिर सो एजेंट कि लगता है पैकेज वाले। हूँ पैकेज के नाँ तो हो की रहा है, पैकेज के नाम से एजेंट ना तो वो एम्बेसी फीस दे रहा है, ना वो कोई बायोमैट्रिक दे पैसे दे रहा, ना वो कोई ऑफर लैटर दे पैसे दे रहा, वो डीलां की कर रहा वो ना कि तेरी फीस आफ्टर वीज़ा होगी, और फीस तो कई कॉलेजों वालों ही आफ्टर वीज़ा है, वो एजेंट ने की करना है हूँ, वो पैसे कितने कमाता है। कई एजेंट बच्चों ऑफर दे रहे हैं कि बई फीस असी भेजा, फीस जो वापस आती है तो हमें पता है 50-60 हज़ार का नुकसान हो जाता, तुसी सिर्फ सानू वो 50-60 हज़ार देना, ठीक है जी, और फीस तुसी वीजे तो बाद, मतलब अपने घर वो लख रुपया लै जाता है, ना ना करते भी क्लाइंट के हिसाब नाल, वीज़ा उस केस तो नहीं आने लगा, इस चीज़ को समझो, वीज़ा प्रोफाइल के उत्ते आना है, पैकेज बना नहीं आना। कैनेडा अप्लाई करते हो, रिजैक्ट होंगे हो, ना ना करते 70-80 हज़ार का लॉस है, यह 70-80 हज़ार का लॉस किसी भी कंट्री रहूगा अपना। सो इन्ना रिस्क जे थोड़े च लैन का मैदा नहीं है तो फिर किसी कंट्री अप्लाई करन दी भी ना सोचो, क्योंकि तुसी आप भी रिस्क लेने हो 70-80 हज़ार का, उ ही एजेंट नू दे दिने हो तो वो कमा जाता है, बिकॉज उन्हें कॉलेज फीस भेजी नहीं, उन्हें तो उत्थों गल्लां च ही सार लिया, ठीक है नहीं। सो उन्हें कमा ले और तुसी अपने आप को जाड़न निकले हुए हो, यह कॉलेज जिहड़े पैकेज देंदे ने तुहानू वीज़ा नहीं दे सकते, इस चीज़ को तुहानू समझना पऊगा, वर्क परमिट दीआं राइट्स तुहानू नहीं मिलनियां, राइट ऑप्शन नहीं मिलनी, चज दे कोर्स नहीं मिलने, और अज दी डेट दे विच जिहड़े तरीके नाल कैनेडा वीज़ा दे रहा, जिहड़े तरीके नाल कैनेडा अंबैसी काम कर रही है, उहदे विच वीज़ा तुहाडे प्रोफाइल दे उत्ते, तुहाडे कोर्स दे उत्ते, और तुहाडे फ्यूचर प्लैनस के उत्ते निर्भर कर रहा है। एक च 5.5 वाले एक सिरे तो नकार दो कि उन्हों का वीज़ा आ जूगा, पीटी स्कोर 57-58 तो थले वाले हार्डली 5% बच्चे होंगे जिन्हों का वीज़ा आता होगा। सो इन उम्मीदों के नाल अगर तुसी अपनी फाइल कैनेडा ला रहे हो तो तुसी कुछ नहीं कर रहे, तुसी सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसे का नजायज इस्तेमाल कर रहे हो, और आना फिर रिफ्यूजल है, जाना फिर आप ऑस्ट्रेलिया या यूके है। सो बैटर है कि उस कंट्री नू अज ऑप्ट कर लो जिथे तुहाडा प्रोफाइल एलिजिबल है, ना कि घरदियां नू उजाड़ के 1-1.5 लाख दे थले लिया के फिर नवी जगह ते रिस्क लैके फिर उत्थे पैसा ला के दूरी वरी घरदियां नू खत्म ना करो, ये मेरी एडवाइस है। सो अपने प्रोफाइल लई समझना चाहूँगा, परसनली बहुत मिलते हो स्टूडेंट्स जी, कई बार बिल्कुल मैं लाइव भी डेली हूँ, सो मिलता रहता पेरेंट्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे जी। सो कई बार प्रोफाइल जो कमी होंगी है, कोई स्टूडेंट थोड़ा मिलन आता है खुद या पेरेंट्स के नाल, तुम कोरिया गल्लां करते हो, की एटीट्यूड सर? पेरेंट्स जिहड़े होंदे आ ना जी, वो बेचारे इमोशनली खत्म होए होंदे, नाली औलाद तो वध के कुछ नहीं होंदा,
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਵੀਰੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, 90238 90238 'ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।